Hi guys, very good morning to all. A very, very good morning to all. Telangana, hi, Bhagwan, your meetings. Chalo, very good morning. Na, PDF na milega iska. Good morning to all. Very good morning. All right, so I hope कि सभी लोग यहाँ पर सेशन के अंदर अच्छा क्लास को ज्वाइन करने से पहले डर भी लगता है, मुझे नहीं पता था। चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका हिस्ट्री का रिविजन, ठीक है ना। तो करेंगे हम लोग आगाज और शुरुआत। आई होप कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेके आए होंगे और कलरफुल वाले पेन भी लेकर आए होंगे। हाँ, लेकर आए हो पेन्स कलरफुल? क्या मैम, पीडीएफ मत दो, गरीबी वाली हालत है अपनी, तो ऐसे मत कर यार। चलो, जिनके पास में नोट्स बने हुए हैं वेल एंड गुड, जिनके पास में नोट्स नहीं बने हुए हैं वो लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि जब भी आपका कोई टॉपिक अगर हम रिपीट करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको नया ही देखने को मिलता है, समझ रहे हो? हाँ, चलिए। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को बता दें कि टुडे इज द लास्ट डे। आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये 20% का डिस्काउंट आपका आज खत्म हो जाएगा। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ का जो आपका सिर्फ जीएस का बैच है, अगर आपको सिर्फ जीएस में ही इश्यूज आते हैं तो ये आपको इतने अमाउंट पे भी मिल रहा है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके हर एग्जाम को कवर करेगा, चाहे आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो या आपका एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, ये सबको कवर करेगा। एंड द कोड इज प्रतिदे, ठीक है। ये चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक है पेड बैच का वो आपको शेयर कर दिया है। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। नहीं, अभी घर पे ही है, जस्ट गोइंग विद इन 2 मिनट्स। ही इज जस्ट लीविंग विद इन 2 मिनट्स। चलो, तो यस, यू कैन कम इन, यू कैन कम इन। जय जगन्नाथ। यहाँ पे आज टेम्परेचर होगा 35-36 के अराउंड। चले फिर शुरुआत की जाए। शशत नमन, ट्रेन में हूं, ओके। सो ऑल गुड टू गो, एक बार से सम अप कर दीजिए। ऑल गुड टू गो। सर, आर यू रेडी टू गो? पूछ लू। हेलो, आर यू रेडी? ओके, चलो सब लोग रेडी हैं भैया अपने अपने काम पे निकलने के लिए। हाँ जी, तो आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा रिविजन करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसका रिविजन एक बार से देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। बेटा, ये जो क्लास हम लेने जा रहे हैं ना, अगर आपको पेपर में ज्योग्राफी आती है ना, ये मत पूछा करो जीडी में आएगा, एमटीएस में आएगा, फलाने में आएगा, डिमाके में आएगा। ज्योग्राफी बदल थोड़ी ना जाएगा। हिमालय अगर नॉर्थ में तो नॉर्थ में ही रहेगा बेटा, जीडी में अगर नॉर्थ में आएगा तो यही आएगा, एमटीएस में साउथ में थोड़ी ना खिसक जाएगा, वही रहेगा ना। तो ऑब्वियसली बात है सब में आएगा। गजब ही बात करते हो यार कभी कभी, मतलब गंगोर बेइज्जती जब तक ना करा लो तब तक दिल कांवरता है तुम लोगों का। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मैप की बात करेंगे, है ना, तो मैप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट है, ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल का बैच लिया हुआ है पेड, वो ओनली जीएस का बैच तब देख सकते हैं जब वो दोबारा से उसे अवेल करेंगे, ठीक है। अब बार बार एक ही बात मत पूछो बच्चा, पढ़ लो। चलिए, क्लास के एंड में बताएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, पहले क्या आएगा, हिमालयास का पार्ट आएगा, दूसरा क्या होगा, प्लेन्स होगा, तीसरा क्या आएगा, प्लेटू आएगा, चौथा आइलैंड आएगा, पांचवा
कोस्टल एरिया आएगा, और एक क्या रह गया? और कुछ रह गया? और कुछ रह गया बताओ? रिवर्स इज नॉट द पार्ट, मतलब इंडिया का जो एरिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर आपका जो एरिया है वो इसमें डिवाइडेड है, एंड लास्ट इज डेजर्ट, ठीक है? तो हिमालय हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गए, पठार हो गया, द्वीप हो गए, तटीय मैदान हो गए, और मरुस्थल हो गए। ये छह पार्ट में क्या है, टोटल आपका इंडिया जो है वो आपको डिविजन देखने को मिलता है। अब एग्जाम में क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको बताते हुए चलते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं हिमालयास, है ना, कलरफुल पेन लेके आए हो ना, तो हिमालयास में आप देखेंगे तो तीन पार्ट में डिवीजन होता है। तीन पार्ट में जो डिवीजन है, पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ हिमालय कहलाता है। तीसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पूर्वांचल हिमालय कहलाएगा, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट हिमालय के आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके डिवीजन कैसे होते हैं सुनिएगा। सबसे ऊपर जो रेंज आएगी, फिर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे, फिर एक और ऐसे रेंज आएगी, फिर ऐसे। आपके सामने अगर मैप है तो प्लीज उस मैप को ओपन कर लीजिएगा, सो दैट आपको इजी रहेगा। मेरा पेड बैच का लिंक ये ऊपर चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है, क्लास में समय पर ज्वाइन किया करो। 4 मिनट बाद ज्वाइन करते हो, फिर वही बात पूछते हो जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताई होती है। क्लास का समय 10 बजे से है ना, 10:06 हो चुके हैं। चलिए, तो हिमालय का जो डिवीजन आप देख रहे हो, ये सबसे टॉप वाला क्या है? ये है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। यहाँ पे आपको एक पीक देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं K2, या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। सेकेंड नंबर पे जो ये आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लद्दाख। तीसरे नंबर पे जो है ये क्या हो जाएगा? जास्कर, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय इसे हम कहते हैं, ठीक है? फिर ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रेट हिमालय। क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय। इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है? उसके नीचे जो ये चार लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये चारों लाइनें मिला के क्या कहलाती हैं? लेसर हिमालय। चारों लाइनें मिला के क्या कहलाती हैं? लेसर हिमालय कहलाती हैं। लेकिन अब चार देखो अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन है, इसका मतलब क्या है? इनके अलग अलग नाम भी होंगे। तो इनके अलग अलग नाम देखो, पहला पीर पंजर, दूसरा धौलाधर, तीसरा नाग तिब्बत, चौथा महाभारत लेख, ठीक है? ये आपको इस तरीके से यहाँ पे जो डिवीजन है वो देखने को मिलेगा, राइट? अब ये जो सारा डिवीजन तुम देख रहे हो, इसमें एक आखिरी वाली लाइन देखो बची हुई है जो यहां से जा रही है और इधर की तरफ मुड़ रही है। दिखाई दे रही है सबको? सबको दिखाई दे रही है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिवालिक। इसका नाम क्या है? शिवालिक, ठीक है? ये हो गया शिवालिक, फाइन। अभी जो शिवालिक आप देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं आउटर मोस्ट रेंज। इनको क्या हुआ? हेलो, हाँ जी भैया जी बताएं। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, हम अभी क्लास कर रहे हैं। अनुभव भैया ने सुबह सुबह याद किया। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आखिरी वाला हो जाएगा आपका शिवालिक, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट रेंज, ठीक है? और ये देखो, यहाँ से जाता हुआ इधर को जाता हुआ ये यहाँ से टर्न लेगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएगा, ठीक? और ये जो आपका इधर वाला ये जो हिस्सा मुड़ रहा है, इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसी हिस्से को हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या है? पूर्वांचल हिमालय, ठीक? तो ये लोकेशन सबकी समझ में आ गई, कौन सी कहाँ पे, कौन सी कहाँ पर नहीं है।
ओके अब मैं इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे आंसर करते हुए चलोगे। ओके थम अप कर दो भैया कि रेडी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। ओके ठीक है, चलिए पहले बताइए यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर होगा इस जगह पे, ठीक है। दूसरा बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, K2 हो जाएगा, ये रहा ठीक। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अनडिस्प्यूटेड, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अनडिस्प्यूटेड, ये लद्दाख, लद्दाख क्यों चिल्ला रहा है मुन्ना? लद्दाख का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है हाईएस्ट में। कंचनजंगा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा ठीक। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। कौन सी रेंज पर होगा? कौन सी रेंज पर होगा? कौन सी माउंटेन रेंज पर होगा? आपके सामने सबके नाम लिखे हुए हैं, कौन सी रेंज पर होगा? शिवालिक पे होगा। गलत, बिल्कुल गलत। ये होगा इस वाली लाइन पे, ग्रेट हिमालय पे। किस पे होगा? ग्रेट हिमालय पर होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये बताइए जो रोहतांग टनल है जिसे हम अटल टनल कहते हैं वो कहाँ पर है? अटल टनल कहाँ पर है? अरे रेंज पर बताओ, स्टेट नहीं पूछ रहे हैं भाई मेरे, स्टेट क्यों पूछेंगे हम, वो तो हमें भी पता है, तुम्हें मालूम है हिमाचल में, रेंज बताओ। ये आएगी इस जगह पर, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कौन सी रेंज पर आएगा? जम्मू एंड कश्मीर कौन सी रेंज पर आएगा? यहाँ पर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड कहाँ पर आएगा? उत्तराखंड कहाँ पर आएगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर आएगा, फाइन। तो आई होप कि आपको ये लोकेशन देख के सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ आ गई है तो आगे चलें, अगर ये समझ आ गई है तो आगे चलें फिर। चलिए तो अब हम लोग आगे चलेंगे और प्लेन्स वाले एरिया की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब हम प्लेन्स वाले एरिया की तरफ चलते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहां पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। प्लेन्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे आपको प्लेन्स मिलेंगे? जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आज क्लास में पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बता दें कि जो आपके क्लासेस का टाइम है वो 7 AM से शुरू होता है और स्पेशल क्लास 4 और 7 बजे होता है, बट टुडे इज अ सैटरडे इसलिए आपका ये स्पेशल क्लास लगा है। ओके शुरुआत होगी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये तो हो गया आपका नदन प्लेन, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे भी तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा। वहां पे प्लेन एरिया कहाँ मिलेगा? आसाम। वहां पे प्लेन एरिया कहाँ मिलेगा? आसाम वाले में मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम देखो, जैसे बोला किसी बच्चे ने, मैम छत्तीसगढ़ नहीं होगा क्या? बेटा छत्तीसगढ़ कैसे प्लेन हो जाएगा, वहां पे तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वहां पे तो छोटा नागपुर का पठार है, तो वो प्लेन कैसे हो जाएगा, सोचो, समझ गए? तो वो कैसे पॉसिबल है? तो ये है आपका प्लेन का एरिया। अब प्लेन के एरिया में जो सवाल बनता है वो पूछा जाता है गंगा रिवर से। कहां से बनता है? गंगा रिवर से पूछा जाता है। तो गंगा रिवर की जब बात आ ही गई है तो एक बारी से आकांक्षा कह रही है, आवाज आ रही है बहुत, बेटा आज तो कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं है, काय की आवाज सुनाई दे रही है तुमको? वो यार वो तो बहुत दूर है, वो तो आंटी बहुत दूर है। चलो अब ना, ठीक है, चलिए
नहीं, टुडे जीजू इज नॉट हेयर यार, क्या बात कर रहे हो, जबरदस्ती इंसान को बदनाम किए हो हैं, जबरदस्ती इंसान को बदनाम किए हो। अभी जब छोटा नागपुर के प्लेट्यू पे आएंगे तब बात करेंगे, झारखंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। रुक जा भाई रुक जा, ठीक है रुक जाओ 1 सेकेंड, चलो अब बात करते हैं। अरे यार जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चल बोलना पड़ता है भैया कि गुस्सा मत दिखाओ, बर्तन को बर्तन की तरीके से इस्तेमाल करो। हाँ होता है ना कई बार बोलना पड़ता है कि। चले तो गंगा की बात कर लेते हैं। तो गंगा में मैंने आपको बताया था कि गंगा जो है वो क्या है, वो है बी ए पास। क्या है? बी ए पास। दैट मीन्स दो रिवर्स होंगी जो आके मिल रही हैं, एक है अलकनंदा एक है भागीरथी। क्या बन रही है ये? गंगा। किस जगह पे बन रही है? हरिद्वार। कहाँ पे बन रही है? हरिद्वार। ठीक है, अब बेटा गंगा रिवर का जो फ्लो का हम अभी मैप आपके लिए बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। और जो बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी चिट चैट कर रहे हैं, या तो चिट चैट तुम बंद कर दो या हम चैट बॉक्स बंद कर दें, ठीक है? या तो आप अपना चिट चैट बंद कर दीजिए या फिर हम बंद कर देते हैं, दो में से एक काम होगा। हाँ जी, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक रिवर देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है? गंगा रिवर। जहां पे दोनों मिले वो जगह क्या है? प्रयाग राज नहीं देव प्रयाग है। कहाँ है? हरिद्वार। कहाँ है? हरिद्वार। ठीक है, अभी जो हरिद्वार के अंदर आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा। ठीक है, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है वो क्या हो जाएगी? रामगंगा रिवर हो जाएगी। फिर यहां से एक रिवर आएगी, कौन सी है? गोमती है। फिर कौन सी आएगी? ये सीक्वेंस याद रखना, शारदा। फिर कौन सी आएगी इसके बाद में? घाघरा, माधुरी दीक्षित, है ना? राम गंगा में सोना निकलता है, ये सच है? नहीं, वो तो सोन रिवर में है कि गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। राम गंगा में सोना कब से निकलने लगा बच्चा? ठीक है, ये इसके बाद में कौन सी आएगी? राप्ती। मैंने आपको बोला ना कि आप जब भी मेरे से कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो ये मत सोचा करो कि कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है। गंडक। फिर कौन सी आएगी? गंडक। गंडक के बाद कौन सी आएगी? कोसी। कोसी के बाद कौन सी आएगी? ये सब देखते जाना, कौन से मतलब लेफ्ट है या राइट है ये देखते चलना। महानंदा। महानंदा जगह खत्म हो गई, आगे मैनेज कर लेना। और ये यहीं से इधर की तरफ आके मिलेगी ब्रह्मपुत्र, ठीक है? जो ये क्या बन जाएगी? जमुना। समझ गए बेटा? इनेबल मेरे साइड से नहीं होगा, वो वहीं से डिसेबल्ड होगा आई थिंक। रुको, अब तुम कह रहे हो तो मैं एक बार से चेक कर लूं। नहीं बच्चा, मेरे में से नहीं है, वो वहीं से ही होता है। सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र है, ये इधर से आके ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ में मिलेगी ना, तब क्या बनता है? ये बनेगा जमुना, ठीक है? चलो अब देखते हैं नीचे से ऊपर के साइड पे कौन सी जाती है। ये सारी की सारी कौन सी वाली है? राइट बैंक है और लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक है और लेफ्ट बैंक है, ये सब के सब क्या है? लेफ्ट बैंक है। क्या है? लेफ्ट बैंक है। ये महानदी नहीं है, महानंदा है। महानदी बना दी, अरे देवा, पूरी ज्योग्राफी हिला डाली। चलो अब इधर से देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स आएंगी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? यमुना। कौन सी आएगी? यमुना। यमुना में ऊपर की तरफ से जो रिवर यहाँ पे आके जुड़ेगी, इसका नाम क्या है? टोंस। मैंने आपको कई बार इसके बारे में पढ़ाया हुआ है।
स्टोन्स के साथ में जो रिवर जुड़ेगी वो कौन सी है? हिंडन। एरो के ऊपर थोड़ा फोकस करना, कौन सा एरो कहाँ पे जाके टक हो रहा है उसका मतलब क्या है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, और यहां से कौन सी रिवर जाएंगी, फिर आएगी यहां से सोन, कौन सी आएगी, सोन रिवर आएगी। उसके बाद में इस पर्टिकुलर एरिया में यहां तक आप देखेंगे तो गंगा की कोई ट्रिब्यूटरी ना आ रही है, बट यहां पे क्या आएगी, हुगली आएगी। क्या आएगी? हुगली आएगी। सवाल, हुगली जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है? हुगली गंगा की ट्रिब्यूटरी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है? हमेशा याद रखना कि हुगली रिवर जो है, जो ये गंगा रिवर आ रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तरफ ये हुगली बनेगी और दूसरी तरफ ये क्या बनती है, भागीरथी बनती है। भागीरथी आपको दो दो बार देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी। ये मैंने आपको कई बार सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स के क्लास में बताया है और उम्मीद करेंगे कि आप इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आजकल क्या है, आजकल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, काली रिवर बैक करना है इसको। लो देखो भाई क्या रह गया, काली रिवर कहाँ मिलेगी बताओ, तब तक जिसका छूट गया वो लिख लो भाई। काली रिवर कहाँ पे मिलेगी? नेपाल से आती है। अच्छा, और भैया आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट का, ठीक है। विंध्या से आती है काली रिवर। अरे देवा 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 देवा। चलिए अब आइए बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, गंगा की मैंने आपसे बात की अभी। अब गंगा के बाद में आप देखोगे तो आपको एक रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम है काली रिवर, और दूसरी रिवर जो है उसका नाम है शारदा रिवर। आजकल पेपर में ये दोनों रिवर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो ये दोनों आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो इन दोनों की बात करें तो ये दोनों की दोनों आपको मिलेंगी उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। अब उत्तराखंड वाले एरिया से होते हुए ये जो काली रिवर और ये जो शारदा रिवर है, तो जहां ये काली रिवर है ना वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है टनकपुर। ये सवाल अभी तक आया नहीं है बट आजकल काली रिवर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि टनकपुर प्रोजेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे के साइड पे जाएंगे, यानी कि ये जो गंगा रिवर की हम बात कर रहे हैं, यहां से जब थोड़ा और नीचे जाओगे, हाँ, काली रिवर का पानी जो है वो काला होता है, बिल्कुल सही। तुम ही लोग तो ज्ञाता हो, है ना, तुम ही लोग तो क्या हो, ज्ञाता हो, सारे ज्ञानी तो तुम ही लोग हो। काली नदी का पानी काला है। क्लास कितने घंटे की है? क्लास चलेगी 10:50 तक। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब नॉर्थ ईस्ट में आप जब प्लेन्स की बात कर रहे हो तो वहां पे कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है, राइट। तो ब्रह्मपुत्र का फ्लो बताना पड़ेगा या याद है? आज सुबह ही पढ़ाया था करेंट अफेयर्स के क्लास में। मैंने ये कहा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो याद है कि बताऊं? बता दो मैम। अरे भैया तुम लोग तो गजब बेइज्जती करते हो। तिब्बत के एरिया से आएगी, ऐसे जाएगी, और अरुणाचल और आसाम से क्रॉस करेगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रिवर आएगी जिसका नाम है तीस्ता, और वो जाके ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। क्या नाम हो जाएगा इसका? जमुना। इधर की तरफ से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी आएगी जो जमुना से मिलेगी, क्या बनेगी? पद्मा। और पद्मा आगे जाएगी तो क्या बनेगी? मेघना बनेगी, ठीक है। तो ये फ्लो जो है, ये फ्लो आपको देखने को मिलता है। अब इस एरिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आइए जरा एक आध प्रोजेक्ट्स जो है उनके नाम सुन लेते हैं। सबसे पहले है पक्की हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये कौन सा स्टेट में मिलेगा? ये सब ब्रह्मपुत्र के ऊपर होंगे, ठीक है ना। जितने नाम अभी हम यहाँ पे आपको बोलेंगे ये सारे के सारे किसके ऊपर हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। बताएं कौन सा स्टेट होगा ये? मिलेगा अरुणाचल में। कहाँ है? अरुणाचल के अंदर। अगला है कामेक हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? अरुणाचल, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? कोपली, खोपड़ी नहीं है, कोपली है। मैं बोल तो रही हूँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहली पहली बार सुनोगे। देखो होता क्या है ना, जब एग्जामिनर कोई नई चीज उठाता है, जब मुझे दिखाई देता है कि ये पहली बार सवाल बना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की खोज करते हैं, है ना। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो खोज करता है, फिर हम उस टॉपिक की खोज करते हैं, और फिर जब उस टॉपिक की खोज करते हैं तो नई नई चीजें मिलती हैं। जब नई नई चीजें मिलती हैं तो जब कभी वो टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही नहीं, कंटेंट में से 90% के सवाल बनते हैं बेटा, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर कृति सर्वे हो जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं, फिर वो कृति सर्वे हो जाता है, समझे। चलो तो ये भी कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आसाम के अंदर। रिवर सेम है ब्रह्मपुत्र, रिवर सेम है ब्रह्मपुत्र। हाँ भैया 12 बजे जीके की क्लास है, 12 बजे यूट्यूब पे जीके की क्लास होगी, 4 बजे भी क्लास है और 7 बजे भी क्लास है। नेक्स्ट बताओ लोकटक। अगला क्या है? लोकटक हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। कहाँ पे मिलेगा? मणिपुर के अंदर, बट ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर नहीं है, ये इस लेक पर है, लोकटक लेक पर। किस लेक पर है ये? आपको लोकटक लेक पर मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी वाली रिवर मिलेगी? बराक रिवर। बरात नहीं, आजकल बरातों का सीजन चल रहा है तो बरात सुन लेंगे, बराक है बेटा, बराक, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक आखिरी जो है वो है तिपाईमुख। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तिपाईमुख ये कहाँ है? ये भी आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये भी आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया प्लेन वाला एरिया, अब आते हैं प्लेट्यू वाले एरिया पे। अभी सबका नंबर लिख रहे हैं, फिर आप मुझे बताते हुए चलोगे कौन सा है, ठीक है। पन्ना फिर तुम लोग बहुत तेज हो, हम बताएंगे और तुम लोग छापते हुए चलते हो, तुम लोग खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते हो कभी। सोचते चलो कहां पे क्या आ रहा है, ठीक है, अभी हम पूछ रहे हैं, रुक जाओ। वो बराक नहीं है, वो बराकार है, बराकार रिवर अलग है, वो झारखंड में है, ठीक है, वो झारखंड में है। हाँ जी, तो यहां पर अब आपके सामने जो है, ये तो सब मैंने नामकरण कर दिया, अब मैं आपसे पूछती जाऊंगी और आप सबको लेबल करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही मैप बन के आएगा, ऐसे ही वो तुमसे पूछेगा, है ना। चलिए नंबर वन इज मालवा प्लेटी, नंबर टू इज नॉट बुंदेलखंड, इज विंध्या। क्या है? विंध्यास, यहाँ पे विंध्यास रेंज मिलेगी, पहाड़ी मिलेगी। नंबर 3 इज सतपुरा, नंबर 3 इज सतपुरा। नंबर फोर
छोटा नागपुर। नंबर फाइव, नंबर फाइव बुंदेलखंड, भागेलखंड, बुंदेलखंड भागेलखंड, ये है भागेलखंड। नंबर सिक्स, दंडकारण्य। नंबर सेवन, तेलंगाना प्लेटू। नंबर एट, बेसन घाट। नंबर नाइन, ईस्टर्न घाट। नंबर टेन, बुंदेलखंड। नंबर इलेवन, डेक्कन प्लेटू। याद हो गया सबको? यहाँ पे छोटी छोटी सी पहाड़ियां और हैं, ठीक है, वो मैंने आपको मेंशन नहीं किया। याद हो गया सबको? हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो एरिया है ये आपका एमपी और यूपी के बीच में आएगा, ठीक है ना। इलेवन डेक्कन प्लेट्यू, ये लिखा था डेक्कन प्लेट्यू। तापी इज अ रिवर, रिवर थोड़ी ना बात कर रहे हैं बेटा, अभी तो हम लोग जो आपका प्लेट्यू का पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके चलिए, तो ये सब का सब तो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपने इसको अच्छे से याद कर लिया होगा, फाइन। अब इसके बाद में जरा इसके कोस्टल एरिया की बात करते हैं, ठीक है। हाँ दंडकारण्य जो है वो तीन स्टेट में आएगा, बट मैंने इसको यहाँ पे मेंशन करने के लिए इसको किया है। हाँ, अब आते हैं इसके कोस्टल एरिया, बताओगे तुम ही, हम नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा प्लेट्यू की बात करोगे तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपको दिया होगा पामीर तो पामीर आंसर करोगे, और अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर आपको लद्दाख दिया होगा तो लद्दाख करोगे, समझ गए। चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन सा वाला, कौन सा एरिया? गुजरात। नाम बताओ, नाम बताओ, इस एरिया का नाम क्या है? सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र एंड गोवा की बात करें, महाराष्ट्र एंड गोवा, एरिया कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, कौन सा हो जाएगा? कोंकण है। कौन सा है? कोंकण है। नेक्स्ट इज कर्नाटका, कर्नाटका क्या हो जाएगा? कैनरा। नेक्स्ट इज केरला, मालाबार। ओके अब इधर आ जाओ, यहाँ है वेस्ट बंगाल। इसके कोस्टल एरिया का कोई नाम नहीं है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सुंदरबन, ठीक है। फिर यहाँ आएगा उत्कल, बिकॉज दिस इज ओडिशा। उसके नीचे आओगे आंध्रा, नॉर्दर्न सिकराज। बेटा मुझे नहीं पता कि स्क्रीनशॉट क्यों बंद है भाई, अब बताओ हम इसके लिए क्या करें? कॉपी में ड्रॉ कर लो इतनी देर में, तो जितनी देर तुम पूछ रहे हो कि क्यों बंद है। कोरोमंडल, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इसका आउटर पार्ट। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो तेलंगाना है वो बॉर्डर के साथ में शेयर नहीं होता है, उसका कोई भी कोस्टल एरिया नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका एरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करेंगे। यहां तक हो गया सबका? इज इट डन, इज इट डन बेटा? आठ नहीं नौ स्टेट मानोगे ना, इसका नाम नहीं है बट इसको काउंट तो करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि इसको छोड़ दोगे। कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, तुम तो पूरी गणित ही हिला दिए। 9 बजे गणित के क्लास में नहीं गए थे क्या? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है आपका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स को लेबल करते हुए चलना, गड़बड़ाना मत। हाँ जी, अच्छा
अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैम बच्चों को बता दीजिए कि जब पीडीएफ इसकी मिलती है, वीडियो के नीचे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है जो आप अभी ये पढ़ रहे हो, तो उसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वाह रे वाह, वाह बेटा वाह, देखो कितनी दूर की सोच उसने बताई है कि सबको बता दीजिए, मतलब कोई रह ना जाए। चलो लेबल करना, ठीक है। बताना, वन इज गोदावरी, टू इज कृष्णा, थ्री इज कावेरी, फोर इज फोर महानदी, महानदी, फिफ्थ इज ये कौन सी वाली रिवर है जो यहां से ऐसे आ रही है। फिफ्थ पे क्यों रुक गए बताओ? सुबनसिरी। अच्छा, सुबन रेखा नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ पे सुबनसिरी आएगी या सुबन रेखा आएगी? सुबनसिरी आएगी। तो जरा मुझे बताना कि सुबनसिरी या सुबर्ण रेखा दोनों में से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अरे पगलों, यहाँ सुबर्ण रेखा आएगी। सुबनसिरी जो है, सुबनसरी, दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्थ ईस्ट में आएगी देवा। ठीक है, ये याद रखना। यहीं पे आप देखोगे तो ये जो ऊपर इस जगह पे, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको नजर आएगी एक तो दामोदर, ठीक है, दूसरी मिलेगी बराकार, तीसरी मिलेगी इंद्रावती। ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आती है। हाँ जी, ये 6 नंबर की कौन सी है? यहाँ पे नीचे के साइड पे ये वाली कौन सी है? दिस इज पेरियार, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरियार रिवर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ केरला। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे ये तो सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका ये ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज सिस्टम में आप अगर देखोगे तो आपको अलग अलग रिवर्स मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी अलग अलग होंगी, है ना। एक सेकेंड, हाँ, क्या हो गया? पांच इस महानदी, अरे जो ठीक है, लो भाई यहाँ पे इस एरिया में आपको मिलेंगी, ये बस मान के चलो, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में बस मैंने उसको किया, लो भैया इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, बस ठीक है। ठीक है, देखो क्लास में हमारी आ गई, पूछ रही है मैम नाश्ता तुम लेकर आई हो क्लास में? हमारी नाश्ता लेकर आई हो? जब तुम लाई नहीं हो तो हम नाश्ता कैसे करेंगे, तुम बताओ, तुमको लाना चाहिए था ना नाश्ता, हम लोग के लिए है ना, आएगा नाश्ता तभी तो करेंगे। चलो अब बताना शुरू करना, ठीक है, आ जाओ भैया, शुरुआत करो गोदावरी से। जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है वो स्टेट लिखो। हमारी तुम्हारी, हाँ सरकार, हाँ, सरकार, हाँ बताओ इसके बारे में कुछ जानकारी जो आप देना चाहते हैं। इसको पहली चीज तो ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होंगी? इंद्रावती होगी, और बताओ, एक ही बता पाओगे, पूर्णा होगी, और बताओ, ये एफसीआई में आया था, बहुत अच्छी बात है, मूला रिवर हो गई, और बताओ, प्राणहिता हो गई, वेन गंगा हो गई, पेन गंगा हो गई, दुधवा हो गई, मंजरा हो गई। ये वो रिवर्स हैं जो आपसे यूजुअली पेपर के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना, यूजुअली आपसे पेपर में पूछी जाती है। भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी?
बताएं, ये एन है ठीक है, सॉरी डब्ल्यू बन गया, ये एन है दुधना ठीक है, कृष्णा किया बेटा, ये तो म्यूजिक कुछ भी नहीं है। कल तो हमारे घर के पास में पता है ढिंचक 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 पार्टी हो रही थी, और कल शाम को जब हम ये आपका पेड क्लास ले रहे थे एसएससी वाला शाम के 6 बजे, तो भाई साहब जब तक उसके घुंघरू टूट नहीं गए तब तक गाना बंद नहीं हुआ था, समझ रहे हो, जब तक उसके घुंघरू नहीं टूट गए तब तक कंटिन्यूसली। चलिए दूसरे पे आते हैं, सेकेंड इज कृष्णा। जिन बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता है ना, ये देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, पेयर बैक चेक कर लिए, अगर जीएस में वीक हो तो अभी भी मौका है 20% डिस्काउंट, टुडे इज लास्ट ओके। चलो कृष्णा का बताओ भाई, ये भी कहाँ से आएगी, ये भी एमपी सॉरी महाराष्ट्र से निकलेगी, बताइए ट्रिब्यूटरीज बताओ, ट्रिब्यूटरीज बताइए, भीमा और बताओ, ये किसकी है, अमरावती किसकी है, कावेरी की है, अमरावती किसकी है, कावेरी की है, इसको गड़बड़ मत कर देना। चलो कृष्णा की बात करोगे तो कृष्णा में हमें ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कृष्णा में हमारे पेपर में जो पूछा जाता है या तो वो आपसे भीमा पूछेगा या वो आपसे तुंगभद्रा पूछेगा, ये पूछेगा। एक और रिवर है जिसका नाम है पेन्ने रिवर, लेकिन वो कहाँ है, वो आंध्रा में, बट वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये दो ही आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर बार बार कृष्णा के ऊपर सवाल जो है वो बनाया जाता है, ठीक। अच्छा इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जहां आपको क्या मिलता है, हैदराबाद, कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, मूसी, क्या है, मूसी आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है कावेरी, कावेरी में हेमावती, अमरावती, काबिनी और बताओ, एक आध और बताओ, भवानी, हाँ सारे जैसे नाम है ना नॉर्मल जो नाम होते हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब देखो होता क्या है, एग्जामिनेशन के अंदर जब आप देखोगे ना तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि अमरावती, ध्यान से सुनना, अमरावती जो कि आंध्र के अंदर है, ये कौन सी रिवर के किनारे पर है, कर दिया गलत, गर्ल्स के जितने भी नाम है सारे के सारे कावेरी रिवर के होंगे, देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चा जो है वो इसको गलत कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा यही, तो गलती करते हैं, समझ रहे हो, जब मैं बोल रही हूं आपको कि अमरावती आंध्रा के अंदर है तो रिवर कौन सी होगी, कृष्णा होगी, अगर मैंने कहा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ये एम्पायर आपको कहाँ मिलेगी, कर्नाटका एंड ऑल इन सब पे मिलती है, इसकी कैपिटल क्या बनती है, इसकी कैपिटल क्या बनेगी, हम्पी, रिवर कौन सी होगी, ये हो जाएगी, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, यही तो होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम्पी कब से महाराष्ट्र में हो गया बेटा, ये कब चेंज हुआ, ये कब चेंज हो गया, हम तो नहीं पढ़ा है, वो बात अलग है कि अभी सुबह कहीं खिसक के चला गया, हो सकता है अर्थक्वेक आया हो, हाँ वो देखो कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अमरावती जो है मैम वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, अमरावती जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, आपको ये नहीं पता कि ये शहर भी है आंध्रा के अंदर, आज सुबह बताए थे हाई कोर्ट कितने बताए थे 25, नया वाला कहाँ था, अमरावती, कहाँ है, आंध्रा में, कौन सी रिवर है, कृष्णा है, इसीलिए बोलते हैं सारे क्लासेस किया करें। कितने हैं जो सुबह 7 बजे आए थे, देखो अभी पता चल जाएगा,
कितने सुबह 7 बजे आए थे? आधे से ज्यादा नहीं आया होगा, आधे से ज्यादा बच्चा नहीं आया होगा, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं कि क्लास में रेगुलर रहोगे तो ही आपका क्या है सोल्यूशन है, अदरवाइज फिर दिक्कत ही दिक्कत होती है। ठीक, तो ये मैंने आपको रिवर्स यहाँ पे बताई, पेरियार रिवर के बारे में बता दिया। अब एक बार इसे आइलैंड वाली जो लोकेशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंडिया की बात की, एक आइलैंड इधर एक आइलैंड इधर मिलेगा। चलो 5 मिनट का समय दो, आइलैंड्स को भी देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप, किधर के साइड पे है ये? एक तो देखो ये वाटर बॉडी है और एक वाटर बॉडी ये है और एक वाटर बॉडी ये है, कहां पर होगा? नहीं पूरा दिन नहीं लेंगे, इस क्लास के बाद में 12 बजे जीके का भी क्लास है टाइमर वाला यूट्यूब पे। आंसर क्या बनेगा इसका? ये बनेगा। ठीक है, इसके सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, कैपिटल क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टेट कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल आपको यहाँ पर मिलता है। लक्षद्वीप को हम क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड या फिर कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ के केसेस कहाँ जाएंगे? केरला कोर्ट में जाएंगे। ओके, ये सारी बातें किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में पता होनी चाहिए। अब आता है आपका अंडमान। अब देखो ये तो आप जानते हो कि अंडमान निकोबार से इस बार क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा सुभाष चंद्र बोस जी का जब बर्थडे था तो काफी सारी जो आइलैंड्स हैं, टोटल 21 आइलैंड्स हैं, उनका नामकरण किया गया है। तो ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में ही है ना। तो अंडमान और निकोबार इसके बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा। फिर अंडमान में भी 3 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और ये नीचे क्या मिलेगा? लिटिल अंडमान। ठीक है, अब ये जो लिटिल और साउथ वाला है इसके बीच में मिलेगा डनकन पैसेज, और ये जो साउथ है यहां आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, दैट इज अ कैपिटल। ठीक है, ये नीचे आ जाओ निकोबार, 3 पार्ट इसके भी हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब अंडमान के ऊपर के साइड पे जो कंट्री है वो कौन सी है? म्यांमार। ये अभी पेपर में आपके आया था। यहाँ पे जो चैनल है वो कौन सा है? कोको चैनल है। ठीक है, इसके निकोबार के सबसे पास में क्या है? इंडोनेशिया है। अगर आपसे पर्टिकुलर कोई आइलैंड पूछा जाएगा तो कौन सा है? सुमात्रा है। इसके बीच में ये जो चैनल है ये कौन सा है? ग्रेट चैनल है। और ये पूरी लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? बे ऑफ बेंगाल। कहाँ पे मिलेगी? बे ऑफ बेंगाल। पूरा इंडिया रिवाइज कर लिया? हाँ जी, डन हो गया रिवीजन। अगली बार वर्ल्ड करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया है। अब आपसे मिलते हैं हम कितने बजे? 12 बजे यूट्यूब पे, 4 बजे और 7 बजे आपके ऐप पे क्लासेस रहेंगे जैसे रोज होते हैं। जो भी बच्चा पहली बार आया है प्लीज डू ज्वाइन टेलीग्राम कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, और पेड बैच का लिंक ये चैट बॉक्स पे शेयर है। आज लास्ट डे है 20% डिस्काउंट का, नहीं ज्वाइन किया है तो टाइमली ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप भी यहाँ पे इन सभी चीजों को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चलिए मैम आप टाइम पे कैसे कर लेते हो, आदत हो गई है।